पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नक्सलियों के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान के बाद अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का दावा अगर सच है तो बड़ी उपलब्धि है, यदि निर्दोष ग्रामीण हैं तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। सत्य सामने आना चाहिए, सच में नक्सली है या कोई निर्दोष ग्रामीण तो नहीं। चुनाव के ठीक पहले इतनी बड़ी मुठभेड़ के संयोग पर अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने संदेह जताया है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। समय आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बस्तर में मतदान को लेकर उन्होंने कहा कि आदिवासियों से अपील है, सभी घर से निकलकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। सरकार बदलने के बाद से मूवमेंट बढ़ गया है। बस्तर में माता बहने अब असुरक्षित महसूस कर रही है, फर्जी मुठभेड़ बढ़ गई है। आज पहला चरण का बस्तर का चुनाव प्रचार थम जाएगा। 19 तारीख को मतदान है। मैं बस्तर की जनता से अपील करता हूं कि सभी लोग घरों से बाहर निकलकर आए, 19 तारीख को मतदान है और मतदान करें। कांग्रेस पार्टी ने बेहतर तैयारी की है, बस्तर में अच्छा माहौल है और पूरे बस्तर की जनता पे हमें भरोसा है कि पिछले समय जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सीट जीती थी, इस समय फिर उम्मीद है कि बस्तर सीट फिर से जीतेंगे। ये लगातार जो घटना हो रही, नक्सली घटना हो रही, कहीं ये आदिवासियों को डराने धमकाने की, देखिए हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि जब से सरकार बनी है तब से मूवमेंट बढ़ गया है। सरकार के नियंत्रण में, नियंत्रण की बस की बात नहीं है। बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में माता बहने जंगल जाने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रोड सुरक्षित नहीं है, फर्जी मुठभेड़ बढ़ गई है, फर्जी नक्सली के नाम से केस बनाना, उनको अंदर करना बढ़ गया है। कहीं ना कहीं बस्तर के आदिवासी इस सरकार आने के बाद बहुत ज्यादा चिंतित है और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। देखिए जहां अगर सच्चाई है कांग्रेस सच्चाई साथ खड़ी रही, लेकिन जहां गलत है हम विपक्ष होने के नाते हम सच्चाई को सच्चाई कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। और इस मुठभेड़ में अगर आवाजें उठ रही है तो निश्चित रूप से सरकार को इस पे जांच करनी चाहिए और अपना स्थिति स्पष्ट करना चाहिए।